मैं हूँ चाइना और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल किचन विद चाइना। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं गर्मा गर्म बीफ कौरमा। उसके लिए हमें किन अज़ा की ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको बता दूँ। ये मैंने आधा किलो बीफ का गोश्त लिया है, इसकी मैंने छोटी बोटियाँ कर ली है, ये देख सकते हैं आप, छोटी बोटियाँ मैंने कर ली है, साफ सुथरा धो के मैंने गोश्त रखा हुआ है। एक प्याली मैंने दही ली है और एक प्याली मैंने फ्राई की हुई प्याज ली है और ये 2 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और 2 टेबल स्पून में कौरमा मसाला लिया है जो मैंने घर में तैयार किया है और मैं आपको इसकी रेसिपी भी घर में बनाना बताऊंगी। और ये ऑयल लिया है मैंने एक प्याली और ये पिसा हुआ नारियल मैंने लिया है, इसमें से 2 टेबल स्पून इसमें डालूंगी मैं। और ये 2 हरी मिर्चें ली है मैंने गार्निशिंग के लिए, बाद में एंड में डालूंगी हल्की फुल्की, जैसे डलती नहीं है हरी मिर्चें तो मैंने रख ली है डालने के लिए, आप डालना चाहते हो डालें, वैसे डलती नहीं है। और अदरक लिया है मैंने, अदरक का टुकड़ा इसमें से थोड़ा सा काट के मैं वो डालूंगी गार्निशिंग के लिए। और ये हरा धनिया लिया है और ये पानी लिया है मैंने आधा जग जो उसमें डालूंगी ताकि गोश्त अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। और ये मैंने तेज़पत्ता पत्ते लिए, 3 से 4 तेज़पत्ता पत्ते लिए हैं। और ये 2 देखें, ये बड़ी काली इलायची लिए और 3-4 ये सब्जी इलायची लिए और 3-4 टुकड़े मैंने दालचीनी के लिए देखें और 2 बादियान के फूल मैंने इसमें लिए कौरमे में डालने के लिए। और ये काली मिर्चें लिए 6-7-8 काली मिर्चें लिए और 4 मैंने लौंगे लिए। ये सब इज़्ज़ा इसमें डलेंगे। सबसे पहले अब हम जाते हैं अपने पैन की, ये देखिए सबसे पहले मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ, ये मैंने पैन में ऑयल डाल दिया एक प्याली, ये थोड़ा ये ऑयल गर्म हो जाए इसके बाद मैं इसमें गोश्त डालूँगी। मैं इसमें गोश्त डालूंगी, हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर रही हूँ, देखें आप इसको थोड़ा अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसमें अच्छी तरह से गोश्त को फ्राई करूंगी ताकि इसकी गोश्त की स्मेल खत्म हो जाए। अब ये कौरमे मसाले के 2 स्पून इसमें ऐड कर रही हूँ, इसके साथ ही मैंने तेज पत्ते इसमें डाल रही हूँ, ये बादियान की फूल इसमें डाल रही हूँ, ये बड़ी इलायची इसमें डाल रही हूँ, ये काली मिर्चें इसमें डाल रही हूँ, ये छोटी इलायची 2 अदद में इसमें डाल रही हूँ, ये दालचीनी डाल रही हूँ इसमें 2 अदद, 2-3 लौंगे इसमें डाल दूँ। देखिए कौरमे इसमें सब चीज़ें ऐड कर दिए, अब इसमें मैं 1/2 प्याली इसमें दही इसमें ऐड कर रही हूँ, 1/2 प्याली में प्याज में डाल के ग्राइंड करूँगी। ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आ गया इसमें कौरमे का हमारे, अब मैं इसको कवर कर दूँगी जब तक मैं प्याज दही में डाल के ग्राइंड कर लूँगी। अब फ्लेम हम स्लो कर देंगे इसकी, कवर कर रही हूँ इसको, कि मैंने दही इसमें ऐड कर लिया, आधा जो बचाया था प्याली में आधा दही वो इसमें ऐड कर दिया, ये प्याज इसमें डाल रही हूँ, इसमें थोड़ा दही की प्याली में पानी मिला के इसमें डाल दूँगी, इसमें पानी मिला के दही की प्याली में ये मैंने कर दिया, अब इसको मैं ग्राइंड कर दूँ। दही और प्याज गिरने के लिए ही उसमें ऐड कर रही हूँ और इसके साथ ही मैं 1 टेबल स्पून में नारियल पिसा हुआ नारियल इसमें ऐड कर रही हूँ, बाकी मैं एंड में डालूँगी नारियल। ये देखें इतना ज़बरदस्त लग रहा है, अब मैं इसमें थोड़ा सा जग में से मसाले की जग में थोड़ा पानी इसमें मिला के इसमें डालती हूँ, तो मैं इसमें जग में इसमें ग्राइंड किया था ना मैं प्याज और दही उसमें पानी डाल के आधा जग वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ क्योंकि बीफ का गोश्त है इसको सॉफ्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसको हम 1 घंटे के लिए इसको कवर करके रख देंगे, लेकिन थोड़ी देर वक्फे से इसको देखेंगे हमारा गोश्त सॉफ्ट हो गया नहीं हुआ, तो अगर सॉफ्ट हो गया गोश्त तो हम ज़्यादा फ्लेम को ऑफ कर देंगे।
अब मैंने एक घंटे की तकरीबन पहले आधा घंटा रखेंगे, उसके बाद एक देखेंगे अगर नहीं सॉल्व हो फिर एक घंटे की तकरीबन एक घंटे में हमारा ये बीफ का कौरमा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अब मैं इसको कवर कर रही हूँ, अब आराम से इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दें पहले, फिर आधे घंटे बाद फिर आप चेक करें आपका गोश्त सॉफ्ट हुआ या नहीं हुआ। अब देखिए हमारा बीफ का कौरमा बिल्कुल रेडी हो चुका है, इसका गोश्त बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। अब मैं इसको निकालूंगी, दिखाऊंगी ठंडा होने के बाद बिल्कुल सॉफ्ट हो गया इसका गोश्त। अब मैं इसमें ना थोड़ा सा ये लास्ट में मैंने कहा था ना आपको नारियल का पिसा हुआ नारियल फिर डालूंगी, ये थोड़ा सा हाफ टी स्पून पिसा हुआ नारियल डालना मैंने इसमें, और थोड़ा सा ये जायफल जावित्री का पाउडर मैंने बना के रखा हुआ है, पिसा हुआ गर्म मसाला जायफल जावित्री इसमें मिक्स कर रही हूँ ठीक है। अब इसमें समय चूल्हा बंद कर देंगे, एक दो उबाल आएंगे इसमें चूल्हा में बंद कर दूंगी। ये हमारा बिल्कुल कौरमा रेडी हो चुका है, अब इसको ठंडा हो थोड़ा सा ठंडा हो जाए मैं निकालती हूँ गार्निशिंग के लिए जो चीज़ें लगानी मैं आपको बताऊँ तो गार्निशिंग होती ही नहीं है इसमें, मैं लगा रही हूँ बहुत से लोग लगा देते हैं मैं भी लगा देती हूँ, चलो वैसे होती ही नहीं कौरमा सिंपल ही बनता है, कौरमे में ना हरी मिर्ची डलती है ना हरा धनिया डलता है, कौरमा ऐसे ही होता है आप देखिए कौरमा खाएंगे ना ऐसे ही होगा तो कभी भी हरी मिर्ची हरा धनिया नहीं होगा। ये देखिए रेडी हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये कौरमा रेडी हो चुका है, मैं इसमें निकाल रही हूँ। ये देखिए कौरमा बिल्कुल रेडी हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये बीफ कौरमा बिल्कुल रेडी हो चुका है, बिल्कुल देगी बीफ कौरमा बनाया मैंने आज ये ज़बरदस्त किस्म का। और गार्निशिंग के लिए मैं इसमें देखिए हल्की सी अदरक डाल रही हूँ। ये देखिए हमारा कौरमा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कौरमा रेडी हो चुका है, गार्निश में हल्के फुल्के पत्ते हैं ये डाल दिए मैंने हरा धनिया के पत्ते, हालांकि डलते नहीं कि मैं डाल रही हूँ शो के लिए थोड़ी सी खूबसूरती आ जाए इसे डलते नहीं डालते। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। तब के लिए अल्लाह हाफिज़।